हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC की तरफ से एक नोटिस निकल के आया है, देखते हैं नोटिस में क्या है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री वालों के लिए खुशखबरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि JSSC CGL का स्टूडेंट होंगे तो जितना भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर 3 का पूरा प्रैक्टिस करवाया जा रहा है दोस्तों, बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस यूट्यूब पर आपको 10 से 15 मिनट देना है, 3 वीडियो देखना है, मतलब आधा घंटा, 45 मिनट, 3 वीडियो मिला के देखा जाए तो 45 मिनट, आधा घंटा काम स्पीड करके देखिएगा तो। और यकीन माने तो लो दोस्तों, जड़ी बूटी रामबाण वीडियो साबित होगा एग्जाम में, ठीक है। आप क्वेश्चन का लेवल जाकर देखिएगा तब बोलिएगा जाकर, ठीक है दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेगुलर बेसिस वीडियो देखें, वैसा वीडियो शायद ही कहीं मिलने वाला आपको यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट खास करके, ठीक है। चलिए 28 तारीख का डेट से देख सकते हैं आप लोग, 3 तारीख देख सकते हैं आप लोग, टीचर वाला है ये। चलिए, पारित न्यायाधीश के अनुपालन के इस क्रम में संयुक्त स्नातक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा अंतर्गत राष्ट्रीय मेगा सूची के आधार पर जीव विज्ञान एवं रासायनिक शास्त्र विषय के रिक्त पदों के विरुद्ध जिलावार विकल्प प्राप्त करने हेतु अनुसूचीबद्ध अभ्यर्थियों को सूची रोल नंबर क्रम रोल नंबर देख सकते, ठीक है। जीव विज्ञान और रासायनिक शास्त्र विद्यार्थी के लिए ये जितने भी रोल नंबर दिए उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग जिला सेलेक्ट करके जहाँ नौकरी लेना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए। आपको देख लीजिए कितना रोल नंबर है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा रोल नंबर है, तो 206 स्टूडेंट का नाम है यहाँ पर, ठीक है, दोनों बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों मिला के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों से जिलों का विकल्प प्राप्त करने हेतु आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर अतिशीघ्र लिंक अलग से प्रकाशित की जाएगी। लिंक प्रकाशित किया जाएगा दोस्तों, उसमें हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले दे देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। संदर्भित विषय में जिन जिलों में रिक्तियाँ उपलब्ध हैं उन्हीं जिलों में से जिलों की प्राथमिकता का विकल्प स्वीकार किया जाएगा। रिक्तियों से संबंधित किसी अभ्यर्थी द्वारा यदि जिले के प्राथमिकता का चयन विहित अवधि में नहीं किया जाता है तो यह समझ जाएगा कि आयोग द्वारा उन्हें कोई भी जिला का आवंटन करने सब इच्छा नहीं, आपत्ति नहीं है, ठीक दोस्तों। तो ये छोटा सा अपडेट था, तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अपडेट पसंद आया होगा, जिनके लिए ज़रूरी है। हालाँकि बाकी जितने भी CGL के, जितने भी अभी JEE CGL स्टेनो लैब स्टेप जितने भी एग्जाम होने वाले दोस्तों, तैयारी जम कर कीजिए एकदम, 2023 आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। सो 3 अपडेट आया उसके बाद तो अपडेट 2-3 दिन से चुपचाप लगा दिया है, देखते हैं अगला अपडेट कब आता है। और खास करके CGL का देखते हैं, CGL का, क्योंकि CGL टारगेट आप लोगों को CGL ही मेन है, ठीक है। CGL कब आता है उसका पूरा डिटेल में बात करेंगे और देखते हैं। एग्जाम तो जुलाई अगस्त में संभावना पूरा पूरा 99% का 100% चांस है जुलाई में होने का है। अब देखते हैं कब आता है, कब क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। लेकिन तैयारी आप लोग जम के कीजिए, कमी नहीं करना आपको, ठीक है। अपना 100% दीजिए अपना तैयारी में, सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।